ये इनके पापा इनके साथ आए हैं, मैं उनका वेलकम करता हूँ दोनों का। तो आप प्लीज डॉक्टर साहब की बातें सुने, मैं ज्यादा बात नहीं करता हूँ, इनसे ही बात करता हूँ। सारी संगत को गुरु जी की तरफ से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं कहां से शुरू करूं? गुरु जी का ही अपार कृपा है आप सब पे, हम पे नहीं, आप सब पे, क्योंकि आप सब गुरु जी के दरबार पे बैठे हैं। मैं अपनी जर्नी स्टार्ट हुई थी जब मैं कॉलेज में पढ़ाता था, मेडिकल कॉलेज, इंडियन कॉलेज में। मैं पंजाबी में भी बोलूंगा, हिंदी में भी बोलूंगा, इंग्लिश में बोलूंगा, जिस फ्लो में आएगा उसी फ्लो में मैं बोलता रहूंगा। तो उस कॉलेज के ओनर ने पापा और मामा को सत्संग के लिए बुलाया हुआ था, मैं तो ऐसे ड्राइवर उनको लेकर गया था। तो मैं लाइन में लगा नहीं, तो मैंने देखा एक गाड़ी आई मर्सिडीज, और उसमें एक सुंदर से बाबा जी बैठे हुए हैं, ग्रीन कलर का झोला डाला हुआ है, और सुंदर सुंदर आंटी हैं गुरु जी के इधर उधर घूम रही हैं। मैंने मन में सोचा बड़ी ऐसे बाबे थी यार, सोनी सोनी आंटियाँ मर्सिडीज, ऐसा मेल, एवरी मेल हैज सर्टन थिंग्स इन माइंड एंड देट आर ऑलवेज देयर। मैं वधिया भाई, सोनी सोनी आंटियाँ, वधिया जी मर्सिडीज, ए गुरु जी तो दैश है। तो मैं लाइन नहीं लग गया जी, तो मैं खड़ा हो गया लाइन तो बाहर। माई मदर वॉज स्टैंडिंग इन द क्यू, माई फादर वॉज स्टैंडिंग इन द क्यू, एंड सडनली जो मामा पौड़ी अख देख दिया, मेरी माँ ने खड़ा हो जा की बिगड़ चुका प्रसाद लगी ना। तब आई स्टूड इन द लाइन, मैं अपनी मामा के पीछे खड़ा हो गया, एंड आई वॉज वेयरिंग कुर्ता पजामा। तो जैसे ही मैं गुरु जी के पास पहुँचा, और छाड़े पहुँच गए, तो मैंने कहा कि किसी ने बता दिया होगा, इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। तो गुरु जी ने मुझे अपने एक हाथ से ना लड्डू दिया, देन आई टुक माय बोथ हैंड्स इन फ्रंट, तो वो लड्डू पूरा नहीं आया मेरे हाथ में, कोई बात नहीं भैया। तो देन आई मैंने अपने कुर्ते का ऊपर किया, एंड ऑल प्रसाद उसमें भी पूरा नहीं आया। मेरा पापा जादूगर भी लगता है अभी, ठीक है। एंड तो गुरु जी कहता फिर छावड़े आएगा तो जरूर, शिव नु बड़ा मानना है, आएगा पक्का। मैंने ठीक है कोई गल नहीं, दैट वाज ऑन 7th of April, एंड गुरु जी सेड तू विसाखी वाले दिन आएगा। आई वाज ऑन 13th of April, आई वाज एट बड़े मंदिर छतरपुर, स्टैंडिंग इन अ क्यू, इट वाज अराउंड 6-7 इन द इवनिंग, एंड गुरु जी अंदर दरबार च बैठे हैं अपनी गद्दी के उत्ते, एंड सडनली आई वाज इन द लाइन। सडनली गुरु जी ने एक बंदे नु भेजा, जा 268वां नंबर तू काउंट करता जा, एक छोटा जा मुंडा खड़ा उन्होंने बुला लिया बार। देन ही केम काउंटेड हेड्स, मैंने छावड़ा, मैं हाँ जी, मैंने गुरु जी को बुलाया तेन अंदर, एंड आई वेंट इनसाइड। मैं देखा गुरु जी बस सिटिंग इन अ पॉस्चर एंड कीपिंग हिज फीट अहेड लाइक दिस। ते गुरु जी ने आ गए छावड़े, मैंने ठीक है कोई बात नहीं। एंड आई स्टिल रिमेंबर उस टाइम शीला दीक्षित, मुरली मनोहर जोशी एंड वाइस प्रेसिडेंट इंडिया सिटिंग एट द फीट्स ऑफ गुरु जी महाराज। तो गुरु जी उन्होंने लत्त मारी, क्या तुम तो मंगते हो, मंगता रहना, अच्छ मेरे को कल किसी और को दबा जो तू। मैं कहा बाबा जरूर पटवाएगा अच्छ, एंड आई सेट माई गुरु जी फीट, एंड गुरु जी लुकिंग एट मी ही आस्क मी की चाहिए तेन। मैं जी महाराज कुछ नहीं चाहिए। दैन गुरु जी आस्क मी अगेन की चाहिए तेन। मैं गुरु जी कुछ नहीं चाहिए। गुरु जी आस्क मी द थर्ड टाइम की चाहिए तेन। मैं बाबा जी दो हाथ पैर हैं कमा खा लेंगे, बाबा जी नाम दे दो, दैट वाज़ द ओनली थिंग आई आस्क्ड जी। गुरु जी ने मुझे कहा जा ऐश कर, मजे कर, गुल्ले लुट, जो करना कर, सब कुछ मिलूगा। एंड दैट डे एंड दिस डे आई नेवर टर्न बैक, व्हाटएवर आई विश आई एम गेटिंग दैट थिंग, जो मैंने चाहिए गुरु जी महाराज अपने आप ही दे देंगे। तो गुरु जी टोल्ड मी दैट जे मनते हो तो मंगियो ना, जे मंगते हो तो फिर तुम मनते नहीं, बिकॉज वी हैव अ साइट विच कैन बी अप टू द वॉल, बट गुरु जी महाराज द साइट He can look beyond the wall. He knows what is good for you. He knows ki ki tade vaste changa, ki tade vaste maada. Saanu nahi pata si
छोटी चीज मांग लेंगे गुरु जी ने पता ही कितनी बड़ी चीज देनी हो। दैट वाज माय फर्स्ट थिंग व्हेन आई मेट गुरु जी, बट स्टिल आई डिडंट सरेंडर इन फ्रंट ऑफ गुरु जी। मैं उन्होंने अगे सरेंडर नहीं किया, मैं ठीक है गुरु जी ठीक है। आफ्टर दैट आ जर्नी स्टार्टेड व्हेन एवरी फर्स्ट सैटरडे ऑफ द मंथ वी वर फाइव फ्रेंड्स, फाइव डॉक्टर्स और सुपर स्पेशलिस्ट। वी यूज टू टेक असी एक गड्डी कर लेनी चंडीगढ़ तो गुरु जी के जिथे रेंदे सी अंपायर स्ट्रीट उत्थे चले जाना जी। तो असी बड़ी कोशिश की शाम सवेरे 6 बजे चलीए तो भी शामी 6 बजे पहुंची, असी सवेरे 10 बजे चलीए तो भी शामी 6 बजे बजे। एक बार जिद की थी नहीं आप ना अब शामी 4 बजे चला गए, हूँ देखते 6 बजे। एंड वी वर इन फ्रंट ऑफ गुरु जी एट 6 इन द ईवनिंग। गुरु जी हमेशा साढ़े दरवाजा खोलते कहते आ गए सरवनाशी आ गए सर तीनों पंजो बहजो आ गए। वी यूज टू सिट एट देयर तो गुरु जी सैकी बह जाते जिस जिस घर च गुरु जी रहते थे। गुरु जी उन्होंने पहला सैकी गुरु जी ने कहना चलो चाह पिलाओ इन्हों। गुरु जी ने सब चाह पिलानी अपने हथों देनी चाह पीओ जो। दैन वी यूज टू सिट दैन लॉट ऑफ पीपल यूज टू कम। असी बह जाना लाइन पर गुरु जी ने सू साइड तो पंजा उठा देना तो एक एक करके सू सार कभी कुछ कहना कभी कुछ कहना। तो एवं बहुत सारे इंसीडेंसिस होंगे ने। वन इंसीडेंस इज दैट इट्स अबाउट अ मेटलिस्टिक थिंग विच आई हैड। एक 16 दिसंबर 2006 की गल है तो असी गुरु जी ते जाना सी। वन NRI पेशेंट केम टू मी। मैं कहा चलो गुरु जी तो अगले हफ्ते चले जाएंगे तो इस बार थोड़े पैसे कमा लिए, NRI पेशेंट है पैसे आ जाएंगे। एंड गुरु जी ने मैं किया नहीं, गुरु जी ने दरवाजा खोलिया कहते छाड़ा नहीं आया पैसे वटन दे। मैं हाँ जी पैसे वटन दे। आई फेल्ट वेरी गिल्टी अबाउट इट स्टिल। आई मुझे कोई शर्म नहीं है जो मैंने गलती की उसको बताने में, जो कोई शर्म नहीं है मैंने की गलती तो की। तो मैंने गुरु जी से बहुत बार माफ़ी मांगी, पता नहीं वो कैसे माफ़ करते हैं वो मुझे नहीं पता। देन उसी अगली बार जब मैं उसी संगत पर गया तो गुरु जी ने मैनू ना और पंजा नाल नहीं बिठाया। गुरु जी का हेठा एक रूम होंदा सी, उहदे उपर एक रूम होंदा सी, साइड तो सीढ़ियां चढ़ के गुरु जी ने दबा जाओ उपर उपर तो सोफे पे उन्होंने साइड के अंदर सेंटर ही जाके बहजी। तो एज पर गुरु जी हुक्म मैं उस कमरे के उपर चढ़िया तो सेंटर दो सोफे के सेंटर ही जाके बह गया। उस दिन उत्थे गुरबाणी लगी होंदी है, गुरबाणी है जिहड़े अपने जगाधरी वाले जिहड़े हरबंस उन्होंने गुरबाणी लगी हुई है। गुरबाणी इज अबाउट हरबंस सिंह जी की गुरबाणी लगी है। तो फस्ट टाइम की सी जब असी हेठा बैठते सी तो असी गुरु जी को देखते रहे, कभी गुरबाणी सुनी नहीं। जो शब्द चलते हैं बहुत कुछ होंगे तो असं कभी सुनते नहीं सी, पर गुरु जी वाल देखी जाती और इतना ज़्यादा सी नॉट एवन सिंगल ब्लिंक ऑफ द आई। असी गुरु जी को देखी जाना देखी जाना देखी जाना देखी जाना, कभी गुरबाणी सुनी नहीं। पहली बार मैं गुरबाणी सुनी उत्थे इतने साल कहते जा उपर दफा हो जाए बह जाए उपर जाके। And I was sitting in between the two sofas. The Gurbani chal rahi Kartarpur, Pakistan. There was a landlord, ek jimidar ni si. Oh, Guru Nanak Dev ji Kartarpur baithe hai. Naal ohna de bhai Mardana ji te bhai Lehna ji, which turn out to be Guru Arjan Dev ji in the next. Te oh baithe hoye hai te Guruji Maharaj ne apna sangeet ga rahe. Te Guruji Guru Nanak Dev ji ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਦਾ ਪਿਓਰਿਸਟ ਸੋਲ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ 300 ਮੀਲਸ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੈਂਡਲੋਡੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਬਕ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵੀ। ਐਵੇਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਆਂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਧਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਥਿੰਗ। As per Indian mentality and male mentality, people start speaking about the lady. Then similarly, oh, Jimidar bhi pichhe pichhe ek din, hafta, meena, do meene dekhda raha. Ek panch, ek var oh Guruji naal te pichhe daang laike chala gaya.
ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੇੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਪੰਜ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਪੰਜ ਕਿਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਟਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਜ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈ ਕੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤਾਂ 100 ਕੂਹੇ ਹੈ, ਮੱਝਾਂ ਗਾਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬਾਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 100 ਕੂਹੇ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇਰੇ ਖੇਤ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾ ਇੱਕ ਲੋਟਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵਨ ਵੈਲ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟ ਵਾਸ ਫੁੱਲ ਆਫ ਮਿਲਕ। ਉਹ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੀਜੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਚੌਥੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲਦਾ ਅਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾਪਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਦੁੱਧ ਹੀ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਇਆ, ਕਿ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਲੈਫਟ ਲਿਟਰਲੀ ਦ ਮੈਟਰਲਿਸਟਿਕ ਥਿੰਗ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੈਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗੇਨ ਸੈਡ ਮੀ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੰਗੋ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੰਨੋ ਨਹੀਂ। ਅਰੇ ਸਿੰਪਲ ਥਿੰਗ। ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਐਸ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਐਸ ਇਨ ਦ ਸੰਗਤ ਆਲਸੋ ਆਈ ਕੈਨ ਸੀ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਫੀਮੇਲਸ ਆਰ ਸਿਟਿੰਗ ਆਊਟ ਦੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਂਟੀ ਆਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਥ ਲਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਅੰਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦਿੰਦੇ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਫਤੂਰ ਬੜੇ ਉੱਠਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬਹਿ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ। ਦੈਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਸਕਡ ਵਨ ਆਂਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ ਔਰ ਆਂਟੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਆਂਟੀ ਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਆਂਟੀ ਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਂਟੀ ਚਲੋ ਸੰਗਤ ਸੁਣਾਓ, ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਈ ਦ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਦ ਫੀਮੇਲ ਮੋਰ ਦੈਨ ਮੇਲ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਫੀਮੇਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ 10 ਬੰਦੇ ਸਵਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦ ਮੇਲ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੈਰਿਡ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗੇਗੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗੇਗੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗੇਗੀ, ਬਿਸ਼ੱਕ ਇਨ ਲੋਸ ਨੂੰ ਜਿੱਡੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੰਗ ਲਏਗੀ। ਮੈਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆ ਵਨ ਫੀਮੇਲ ਆਈ ਐਮ ਏਬਲ ਟੂ ਬਲੈਸ 10 ਪਰਸਨ। ਜੇ ਇੱਕ ਮੇਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਬਸ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੁਛ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਈ ਵਾਈ ਦ ਆਲ ਮਾਈਟੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਲੈਸ ਦ ਫੀਮੇਲ ਨਾਟ ਦ ਮੇਲ। ਮੇਲ ਇਜ਼ ਸੈਲਫ ਗਿਓਸਟਿਕ, ਸੋ ਗਿਓਸਟਿਕ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਲ ਜਾਏ ਬਾਕੀ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦ ਥਿੰਗਸ ਵਿਚ ਆਈ ਲਰਨਡ ਬਾਈ ਸਿਟਿੰਗ ਐਟ ਦ ਸੰਗਤ। ਦੈਟਸ ਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੰਗਤ, ਵੈਨ ਯੂ ਸਿਟ, ਵੈਨ ਵੀ ਸਿਟ ਵਿਦ ਦ ਗੁਰਜੀਸ ਫੀਟ, ਵੀ ਆਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਐਂਡ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਜ਼ ਦ ਵਨ ਵਿਚ ਗਿਵਸ ਦ ਮੈਸੇਜਸ, ਬਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ। ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੈਨ ਆਈ ਰੀਚਡ ਐਟ ਦੈਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੇਸ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਚਾਹਤ ਹੈਗੀ ਆਂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ, ਤੂੰ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ ਅੱਜ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਜਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਣ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੈਰ ਹੈਗੇ ਕਿੱਥੇ। ਵੈਨ ਆਈ ਹੋਲਡ ਦ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਈ ਸਟਿਲ ਰਿਮੈਂਬਰ ਐਂਡ ਆਈ ਕੈਨ ਫੀਲ ਦ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ 100 ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵੀ ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਪੈਰ ਸਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਲੈ ਦਬਾ ਲੈ ਦਬਾ ਲੈ। ਦੈਨ ਆਈ ਸਿਟ ਆਊਟ ਦੇਅਰ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਬੰਨਦਾ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਫੋਰ ਦ ਨੈਕਸਟ 2 ਮੰਥਸ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਡੀਓ ਲਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕੋਈ ਡੀਓ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਈ ਨੈਵਰ ਪੁੱਟ ਪਰਫਿਊਮਸ, ਆਈ ਨੈਵਰ ਪੁੱਟ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਬਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਸ ਬਟ ਟੱਚਿੰਗ ਹਿਸ ਫੀਟ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਬਲੈਸਡ ਫੋਰ 2 ਮੰਥਸ ਵਿਦ ਅ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਵਿਚ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਫੀਲ, ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸੀ ਕੀ ਹੈਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਡਲੈਸ ਨੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ
I was sitting in my clinic and I was operating a patient. I suddenly got a call from somewhere that your dad met with an accident. ठीक है जी, मेरे पिताजी बैठे ने तो उन्होंने एक्सीडेंट दैट वाज ऑन 5th ऑफ सितंबर 2007 ते गुरुजी उस टाइम तक मास माती ला चुके सन ते मैनू फोन आता है कहंदे जी इत्थे इत्थे चल ते मेरे फादर का एक्सीडेंट आया फिर मैं कुछ नोट फटाफट छड्डिया ते मैं गड्डी च आके बैठ गया मैं नॉर्मली कभी दोपहर में सोना नहीं उस दिन मेरी अख लगी सी ते गुरु जी आए थे कहते चिंता न करी मैं बैठा हमेशा एंड आई रीच्ड द कार आई ओपन द माय डोर द गुरु जी वाज सिटिंग ऑन द नॉन ड्राइवर सीट ते गड्डी ते चला चला कुछ नहीं होता देन आई रीच्ड द प्लेस वेयर दैट वाज खूब सारी भीड़ लगी हुई सी पापा के कान च प्रोफ्यूस ब्लीडिंग हो रही थी ते काफ़ी घबराया से डिसरेंट उन्होंने मैंने पहचानिया भी नहीं मैं कहने कहते कोई कहता जी इस नर्सिंग होम च लै जाओ कोई कहता उस नर्सिंग होम च लै जाओ फिर जो 32 सैक्टर लैके जाना अपने दोस्त को फोन कर कहते एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को फोन कर एक रेडियोलॉजिस्ट को फोन कर एक ई एन टी वाले को फोन कर मैं किनू किनू करा नहीं दस तू मारे कहते कि उन्होंने यू फोन कर एंड आई नो कि वह मेरे दोस्त जोड़े हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन से जरा उन्हें हाले एक दिन पहले ही ज्वाइन किया 32 सैक्टर मैं नहीं पता से कहते रोहित ने ज्वाइन किया बुला उन्होंने फोन कर Then I called my ENT guy. I needed three people at that time: orthopedic surgeon, ENT, and radiologist. मैं पहुंच गया उठे. This was the 5th of September 2007. उस दिन मैं पहुंचे उठे. तो मेरे तीनों दोस्तों ने सारा कुछ मैनेज कर लिया थी कार्य का सी. जब पापा ने मुझे लेके गया, तो एक कान में प्रोफ्यूस ब्लीडिंग आ गई. मेरे ENT सर्जन फ्रेंड ने वो कान में ब्लॉक कर दिया. तो उस दिन एक भी MRI और CT स्कैन नहीं हुआ 32 सेक्टर में. मशीन वॉज नॉट वर्किंग तो कहते मीनाक्षी पुछना आई है तेरी दोस्त मैं क्या हाँ जी मैं मीनाक्षी कहते मशीन शुरू करो एंड देर इज ओनली वन MRI ऑन 5th of September 2007 इन 32 दैट इज माय डैड वो भी मेरी प्रिवेंशन से कि कान में ब्लीडिंग आ रही कि ब्रेन में कोई कंकशन वगैरह या कोई इंजरी तो नहीं है तो कहते चल तेरी यह भी टेंशन दूर कर दे मशीन चलाई मशीन चली एंड MRI वॉज आउट देर वॉज नॉट अ सिंगल इंजरी इन द ब्रेन नॉट इवन अ सिंगल इंजरी मैं बड़ा कंफ्यूज मैं क्या महाराज दो तो हो गए ENT भी हो गए रेडियोलॉजिस्ट ये ऑर्थोपेडिक सर्जन क्यों बुलाया कहते डॉक्टर को कुछ नहीं आता इतने का एक्सरे करा क्लेविकल का एक्सरे करा मैं क्या चंगा जी क्लेविकल एक्सरे कराया था कॉलर बोन वाज फ्रैक्चर्ड कहते डॉक्टर को नहीं पता चलता तुम्हें कराओ एक्सरे एंड आई वेंट फॉर एन एक्सरे देयर वाज अ फ्रैक्चर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक डॉक्टर सुधीर वाज देयर तो उन्होंने मैं मदर की सर्जरी की थी पहला तो उन्होंने मैं पूछा कहते कोई नहीं बेटे विल डू इट ऑन 7th कल कर देंगे 6 तरीक न कर देंगे तो कोई 6 जून नहीं होना 7 तरीक करा तेरी मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन 12:15 ओपरेट कराना मैं ठीक है जी मैरिज होना तो दे पुट अप माय डैड ऑन द लिस्ट ऑन दैट डे ऑपरेशन डिडंट हैपन इट हैपेंड ओनली ऑन 7th of September तो गुरु जी ने जरा टाइम बोला 12:15 पापा जी गए एंड बाय 12:35 ही वाज आउट ऑफ द ओटी फिर 10:05 तो गुरु जी कहते चल तेरे दोस्तों ने बख्श देने हैं मैं कि महाराज वी हैव अ वन वेरी वेरी रिनॉल्ड जर्नल जिसे एक साड़ी पब्लिकेशन हो जाए तो बड़े खुश होते हैं कहते जा उन्होंने उन्होंने कई प्लेटा बारे लिखण तो उन्होंने पब्लिकेशन हो एंड थ्रू मी गुरु जी ब्लेस देम ऑल्सो एंड दे हैव अ पब्लिकेशन ऑफ दैट जर्नल विच इज वेरी सरप्राइजिंग फॉर देम टिल टुडे तो गुरु जी का किसी को बख्शना हो ना गुरु जी ने तो किसी का वो नहीं है गुरु जी ने जिन्होंने बख्शना उन्होंने बख्शना ही बख्शना है यू पीपल आर मोर ब्लेस देन अस डोंट से वी आर ओल्ड संगत असी गुरु जी मिले या नहीं मिले मैं साल में 5 या 6 बार जाना जी गुरु जी की संगत है आप जी को देख कर लग रहा है कि आप तो हर हफ्ते करते हो संगत हर रोज करते हो संगत यू पीपल आर मोर ब्लेस डोंट कंसीडर कि असी गुरु जी मिलने नहीं तुम सा तो ज्यादा मिल रहे गुरु जी अभी तो गुरु जी को देख के गुरु जी अक्सर सारे लाइन खड़े होंगे गुरु जी कहते जी पता नो तुम तुम्हें कि बैठे हो असं अगू कहते पता नहीं की बोली जी गुरु जी महाराज गुरु जी उस दस तुम नहीं पता कि बैठे हो जब वक्त आऊगा तो पता लैना लगन या लैना लैना च खड़े हो तो करोगे दर्शन एंड इट इज ट्रू जब असं जाते जी गुरु जी को 7, 10, 15, 20 बंदे होंगे मैक्सीमम एंड नाउ गुरु जी इज इन एवरी कस्बा ऑफ द इंडिया इवन इन अब्रॉड ऑल ओवर द वर्ल्ड गुरु जी सब You go anywhere in the place, speak on Guruji, you will find someone or other one to help you out in all respects.
बिल्कुल भी कभी सोचते भी नहीं कि ये गुरु जी के संगत है कि नहीं। तो नेवर कंसिडर दैट कि हमने गुरु जी को देखा नहीं, आपके सामने हमेशा गुरु जी बैठे हैं और बैठे ही हैं, वो आपकी सबकी बात सुन रहे हैं और सुनते रहते हैं। एंडलेस थिंग्स तो मैं एक बार दोबारा ही कहना चाहूंगा, प्लीज उन्होंने मनो जितना मन सकते मनो, वही सब कुछ है। He is almighty, is everything. And ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आपकी श्रद्धा का बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरुजी।